मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीन मुकद्दस तरीन मकामात में एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बासे अजर सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख रखता है, जिसका ताल्लुक कौमों के उरूज जवाल और पैगंबरों के माबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहिम ही की एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरे तो इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाकई मिराज इस बात की दलील थी कि अल-कुदस से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक है। नेज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाकया था। गर्ज़ ये कि यरूशलम इस्लाम व ईसाइत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के नज़दीक मुकद्दस तरीन मकाम है। यह इलाका पैगंबरों का मस्किन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी माबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन कुदस के मुतालिक सूरह आराफ में फरमाया, और हमने उस कौम को कि जिसको कमज़ोर बनाया गया था उस सरजमीन के मशरिक़ व मगरिब का वारिस बनाया कि जिस सरजमीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरह इसरा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस बाबरकत सरजमीन का जिक्र है वो बैतुल मुकद्दस और उसके गिर्दो नवाह के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान किया, लिहाजा हजरत अबू जर गफ्फारी से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र ने कहा, इन दोनों के तामीर के दौरान कुल कितना वक्फ़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उल्मा व मुफस्सरीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तामीर करवाई। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर से हज़रत आदम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्न हश्याम ने अपनी तारीख में लिखा कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की दोबारा बुनियाद रखी, और फिर आपके जानशीन और फरजिंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गर्ज़ ये कि अहादीस और तारीखी रिवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस को कई मरहलों और अदवार में बार बार तामीर की गई। नेज़ इसकी तजदीद कई पैगम्बरों ने किया। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायीद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी और इंसानों के साथ चरिंदो परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे और फर्माबरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती उमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सरंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीरी काम में हज़रत सुलेमान ने जिन्नातों को भी लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीरी मकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई कई दिन या माह ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफात होने वाली है,
तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मुआजजा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफात का इल्म ही ना हो और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मसरूफ थे तो आपकी रूह कब्ज कर ली गई, लेकिन उस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ी रही और जिन्नात ये समझते रहें कि आप इबादत में मशगूल हैं। दरअसल पैगंबरों की जिस्म मुबारक कभी सड़ती नहीं, ना ही ज़मीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रोए ज़मीन पर जितने भी नबी भेजे गए आज भी उनके जिस्म कब्रों में सही और सालिम मौजूद है और गैबी तौर से उन्हें रिज्क मिलता रहता है। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के कई सालों बाद तक उसी मकाम पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस असा को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमज़ोर हो गई तो आपकी मुबारक जिस्म ज़मीन की तरफ झुकने लगी और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है। इस वाक़े को अल्लाह ने सूरह सबा में यूं बयान फरमाया, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उनकी मौत का इल्म ना हुआ, मगर ज़मीन की दीमक उनकी असा खाती रही और जब सुलेमान ज़मीन पर आए तो जिन्नों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस खारी की अजाब में न होते।